हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सूजी मैंगो केक की रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। ये विदाउट एग विदाउट ओवन का मैंने बनाया है कढ़ाई में। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में कोई नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे जो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कप सूजी लिया है और ये देखिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर आधा चम्मच और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसमें दिया है। और शुगर मैंने आधा कप लिया है, ऑयल मैंने 1/4 कप लिया है, दूध हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे और इलायची मैंने 2 इलायची को उसको छिलका निकाल के लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 मैंगो लिया है, 2 मैंगो को ऐसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। तो पहले अब मैं क्या करूँगी, ये जो सूजी है सूजी को पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में मैं ये सूजी को डालूंगी। सूजी को अच्छे से पाउडर बना लेना है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हो, एक कप सूजी में आधा कप मैदा ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल देती हूँ। और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसको मैं साइड करके फिर से मिक्सी जार में ये जो रफली चॉप्ड मैंगो है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ और उसके साथ मैं शुगर भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं नमक दे रही हूँ, ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और ये इलायची भी इसमें मैं डाल रही हूँ, आप चाहो तो इलायची को कूट के डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मैंगो को अच्छे से फाइनली पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं इसको इस सूजी के साथ मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह घुमाते हुए मिक्स करना है। तो ये देखिए इसे हम आधा घंटा तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और अब मैं क्या करूँगी, ये जो दूध है उसमें डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर हमें ज़रूरत होगा तो मैं और दूध ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए थोड़ा मोटा लग रहा है तो इसमें मैं और थोड़ा सा दूध दे रही हूँ। दूध को हम धीरे धीरे करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि सूजी बहुत पानी बहुत ऑब्जर्व करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप अगर बनाओगे फिर आपको पता चलेगा इसका टेस्ट। एक बार बना के देखिए फिर इसका टेस्ट बताइए कैसा लग रहा है। ये देखिए मैं फिर से इसको 15 मिनट तक रख के निकल रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है दूध के साथ। तो अब मैं ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर है उसको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ा और मैं इसमें बेकिंग सोडा दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए
ये जो केक का टिन है इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें एक चम्मच मैदा डाल के डस्टिंग कर लूँगी और इसको, ये जो बैटर है इसको मैं अच्छे से फेंट के इसमें डाल दूँगी। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। अच्छे से मैं केक मोल्ड को अच्छे से टैप कर लूँगी ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। और इसके ऊपर मैं काजू और आलमंड को ऐसे छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है, इसे सजा लूँगी। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट लगा सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में स्टैंड रख दिया है और इसे गरम कर लिया है। तो अब मैं ये जो केक टिन है उसमें डाल रही हूँ और इसे हम आधा घंटा तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, केक हमारा हो गया है। ये देखिए, साइड भी छोड़ चुका है और नाइफ में भी कुछ नहीं लग रहा है और सॉफ्ट भी लग रहा है हाथ से। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं एक घंटा तक। ये देखिए, इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, कहीं से भी नाइफ में नहीं लग रहा है। ये देखिए, केक हमारा ठंडा हो चुका है और इसे मैं साइड से ऐसे नाइफ के हेल्प से निकाल देती हूँ और एक प्लेट में उतार लेती हूँ थोड़ा टैप करके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पंजी भी लग रहा है। तो अब मैं इसको ऊपर के साइड कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए, मैं आपको छोटा पीस निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत स्पंजी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। फ्रेंड्स, आप लोग ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें और